Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today we will read English unit number 9, skeleton and movements 1. Iske bhi do parts hain, skeleton and movements 1 and skeleton and movements 2. Ab aaj hum skeleton and movements 1 padhenge aur uske baad hum dusra part iska padhenge. स्केलेटन कहते हैं ढांचे को जो हड्डियों से बना हुआ होता है. आपको सामने पिक्चर में नजर आ रहा होगा, ये है स्केलेटन. एंड मूवमेंट्स, मूवमेंट्स कहते हैं हरकत को. ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि मूवमेंट्स हो रही हैं, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना. ये हम मूवमेंट्स करते हैं स्केलेटन के जरिए. जो ज्वाइंट्स होते हैं उसके जरिए से हम मूवमेंट्स की जाती हैं. स्केलेटन के जरिए से मूवमेंट्स भी की जाती हैं, हरकत भी की जाती हैं. तो आज हम स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे कि स्केलेटन क्या होता है, उसका हमारे जिस्म में क्या किरदार होता है, वो क्या करता है हमारे जिस्म में, उसका क्या फंक्शन होता है, और अगर स्केलेटन ना होता तो हमारी बॉडी कैसी होती. ये सब आज हम इस सबक में पढ़ेंगे. ओपन योर बुक्स पेज नंबर 30, यूनिट 9, स्केलेटन एंड मूवमेंट्स 1. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. A skeleton is the hard part of a body which keeps it stiff. Skeleton, ढांचा जो होता है वो जिस्म का सख्त हिस्सा होता है जो हमारे जिस्म को मजबूत रखता है, सख्त रखता है. A skeleton gives a body its shape. ढांचा जो है, skeleton जो है वो जिस्म को शक्ल देता है. It keeps the soft inside parts safe. ये जिस्म के अंदरूनी हिस्सों, नरम हिस्सों की हिफाजत करता है, उनको महफूज रखता है. जो हमारे जिस्म के अंदर दिल वगैरह नरम हिस्से हैं उनकी हिफाजत करता है. टच योर नीज एंड एल्बोज. नीज कहते हैं घुटनों को और एल्बोज कहते हैं कोहनियों को. तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि अपने घुटनों और कोहनियों को टच करें, छुएं. यू कैन फील पार्ट्स ऑफ योर स्केलेटन. आप वहां पे अपने स्केलेटन के पार्ट्स को महसूस करेंगे, आपको वो हिस्से सख्त लगेंगे. तो यहाँ पे आप स्केलेटन को महसूस करेंगे. सख्त सख्त हिस्सों को स्केलेटन कहा जाता है. जो जिस्म में सख्त हिस्से होते हैं उनको स्केलेटन कहा जाता है. They feel hard and strong under your skin. तो आपको जब आप नीज और एल्बो को टच करेंगे तो आपको हार्ड पार्ट्स लगेंगे. तो ये आपका स्केलेटन है, ये आपको हार्ड और स्ट्रांग लगेंगे. Without a skeleton, स्केलेटन के बगैर योर बॉडी वुड बी लाइक अ बिग सैक ऑफ जेली. आपका जो जिस्म है वो एक जेली की बहुत बड़ी बोरी की जैसा लगेगा. यानी अगर स्केलेटन ना होता तो हमारा जो बॉडी है वो एक जेली की तरह होता जिसकी कोई शेप ना होती. योर स्केलेटन इज इन साइड योर बॉडी. हमारा स्केलेटन जो है, जो ढांचा होता है, वो जिस्म के अंदर होता है. इन साइड कहते हैं अंदर को, जिस्म के अंदर होता है ढांचा. इट इज कॉल्ड एन एंडोस्केलेटन. तो वो ढांचा जो जिस्म के अंदर होता है, हार्ड पार्ट्स जो जिस्म के अंदर होते हैं उनको कहा जाता है एंडोस्केलेटन. लुक एट द हार्ड बिट्स दैट आर लेफ्ट व्हेन अ फिश और रोस्टेड चिकन इज ईटन. बिट्स कहते हैं टुकड़ों को. तो जब हम चिकन या फिश खा लेते हैं तो उसके बाद जो हिस्से बच जाते हैं, जो टुकड़े बच जाते हैं, हड्डियां वगैरह जो उनकी बच जाती हैं, उनको आप अगर गौर करें तो उनको कहा जाता है एंडोस्केलेटन. दीज बिट्स आर पार्ट्स ऑफ एन एंडोस्केलेटन. तो ये जो टुकड़े होते हैं, ये जो हड्डियां होती हैं, वो एंडोस्केलेटन का हिस्सा होती हैं. तो इस सबक में बच्चों आपने पढ़ा कि स्केलेटन किसे कहते हैं. हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी, जो जिस्म के अंदर हार्ड पार्ट हड्डियों से बना हुआ होता है, उसको कहा जाता है स्केलेटन. स्केलेटन से हमारे जिस्म को एक शक्ल मिलती है. अगर स्केलेटन, और ये जिस्म के नरम हिस्सों की हिफाजत करता है. अगर स्केलेटन ना होता तो हमारी जिस्म एक जेली की तरह होता जिसकी कोई शेप ना होती, कोई शक्ल ना होती. तो ये जिस्म को एक शक्ल देता है. और जो जिस्म के अंदर होता है स्केलेटन, हड्डियां, उसको कहा जाता है एंडोस्केलेटन. एंडो का मतलब होता है इनर, अंदरूनी, यानी अंदर का ढांचा जो हमारे जिस्म के अंदर होता है. ऊपर स्किन है और अंदर हड्डियों का ढांचा. तो जो अंदर है उसको कहा जाएगा एंडोस्केलेटन. उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. अब आपने इस यूनिट को, यूनिट 9 को अच्छी तरह से रीड करना है.
आगे आपके लिए कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे गए हैं. फर्स्ट वर्ड इज स्केलेटन. स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा. हड्डियों से जो बना हुआ होता है ढांचा, उसको कहते हैं स्केलेटन. मूवमेंट्स नकलो हरकत. हरकत यानी चलना, जो हम चलते हैं दौड़ते हैं उसको कहा जाता है मूवमेंट्स. स्टिफ. स्टिफ का मतलब होता है सख्त. शेप शक्ल. सेफ महफूज. टच का मतलब होता है छूना. नीज घुटने. एल्बोज कोहनिया. स्ट्रॉन्ग मजबूत. सैक बोरी. एंडोस्केलेटन अंदरूनी ढांचा, जो अंदर होता है जिस्म के. बिट्स टुकड़े. ये वर्ड्स मीनिंग्स आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं. इसके बाद कुछ वर्ड्स के आपके लिए सेंटेंसेस बनाए गए हैं. फर्स्ट वर्ड इज सॉफ्ट. सॉफ्ट मीन्स नरम. बटर इज वेरी सॉफ्ट एंड टेस्टी. बटर कहते हैं मक्खन को, वो बहुत नरम और मजेदार होता है. नीज घुटने. अल्लाह गेव अस टू नीज. अल्लाह ताला ने हमें दो घुटने दिए हैं. स्ट्रॉन्ग. माई ब्रदर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय. मेरा भाई बहुत ताकतवर बहुत मजबूत लड़का है. सैक का मतलब होता है बोरी. माई फादर बॉट अ सैक ऑफ फ्लोर. मेरे अबू ने एक आटे की बोरी खरीदी. जेली. आई लाइक टू ईट जेली. मुझे जेली खाना पसंद है, मुझे अच्छी लगती है जेली खाना. तो ये वर्ड सेंटेंसेस भी आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं. उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज है. पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन आंसर्स है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्केलेटन. स्केलेटन क्या है? आंसर है इसका अ स्केलेटन इज द हार्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी विच कीप्स इट स्टिफ. स्केलेटन जो है वो जिस्म का सख्त हिस्सा होता है जो कि जिस्म को सख्त रखता है मजबूत रखता है. क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्केलेटन. इसका आंसर है, इसका मतलब है स्केलेटन यानी ढांचे का क्या काम होता है जिस्म में. तो इसका आंसर है इट कीप्स द सॉफ्ट इनसाइड पार्ट्स सेव. ये जिस्म के अंदरूनी नरम हिस्सों को महफूज रखता है, उनकी हिफाजत करता है. क्वेश्चन नंबर थ्री इज हाउ वुड योर बॉडी बी लाइक विदाउट अ स्केलेटन. आपका जिस्म जो है बगैर स्केलेटन के कैसा लगेगा. तो इसका आंसर है विदाउट अ स्केलेटन आवर बॉडी वुड बी लाइक अ बिग सैक ऑफ जेली. तो स्केलेटन के बगैर हमारा जिस्म एक जेली की बोरी की तरह लगेगा, उसकी तरह हो जाएगा जिसकी कोई शक्ल नहीं होगी. जेली की तो कोई शक्ल नहीं होती ना, जेली नरम नरम होती है. तो इस तरह हमारी बॉडी की भी कोई शक्ल नहीं होगी, हमारी बॉडी भी जेली की तरह होगा अगर स्केलेटन ना हो तो. तो बच्चों ये वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस और ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखने हैं. उसके बाद है पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. आपने ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट ब्लैंक इज अ स्केलेटन इज द डैश पार्ट ऑफ अ बॉडी. तो इस डैश में आएगा हार्ड. अ स्केलेटन इज द हार्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी. स्केलेटन जिस्म का सख्त हिस्सा होता है. सेकंड इज अ स्केलेटन गिव्स द बॉडी इट्स शेप. ढांचा जो है स्केलेटन जो है वो बॉडी को शक्ल देता है. तो आपने ब्लैंक में लिखना है शेप. थर्ड वन इज योर स्केलेटन इज इन साइड योर बॉडी. स्केलेटन जिस्म के अंदर होता है. फोर्थ वन इज विदाउट अ स्केलेटन योर बॉडी वुड बी लाइक अ बिग सैक ऑफ जेली. इस ब्लैंक में आपने लिखना है जेली. स्केलेटन के बगैर हमारा जिस्म जो है वो एक जेली की बोरी की तरह लगेगा. क्वेश्चन आंसर्स आपको बता दिए गए हैं. उसके बाद है कंपाउंड वर्ड्स के बारे में बताया गया है आपको कि कंपाउंड वर्ड्स किसे कहते हैं. जब दो वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है तो उससे एक न्यू वर्ड बनता है, उसको कहा जाता है कंपाउंड वर्ड. अ कंपाउंड वर्ड इज मेड व्हेन टू वर्ड्स आर ज्वाइंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. जब दो वर्ड्स को जोड़कर एक नया लफ्ज बनाया जाता है तो वो कंपाउंड वर्ड कहलाता है. क्वेश्चन है मेक कंपाउंड वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनको मैच करके एक कंपाउंड वर्ड बनाना है. फर्स्ट है की. तो की को जब आप होल से मैच करेंगे तो बन जाएगा की होल. तो आपने यहाँ पे इसके सामने लिखना है की होल. उसके बाद वर्क बुक. उसके सामने आपने लिखना है वर्क बुक. टूथ को आपने ब्रश के साथ मैच करना है. टूथ ब्रश. तो उसके सामने लिखेंगे टूथ ब्रश. उसके बाद है टी और स्पून. टी को स्पून के साथ जब मैच करेंगे तो वर्ड बनेगा टी स्पून.
उसके बाद है टेबल क्लॉथ, ये आपके लिए फिल किया गया है। उसके बाद बेड और रूम, बेड को रूम के साथ जब मैच करेंगे तो वर्ड बनेगा बेडरूम। उसके बाद है रेल वे, रेलवे, रेल को वे के साथ मैच करेंगे तो बन जाएगा रेलवे। रेन बो, रेन को बो के साथ जब मैच करेंगे तो वर्ड बनेगा रेनबो। आउटसाइड, आउट को साइड के साथ मैच करेंगे तो वर्ड बनेगा आउटसाइड। और उसके बाद लास्ट है सन फ्लावर, सन को फ्लावर के साथ जब हम मैच करेंगे तो वर्ड बन जाएगा सन फ्लावर। इस तरह आपने कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं और खाली जगहों में उनको लिखना है, पहले मैच करना है और फिर उनको लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 32 पे आपको कंपैरेटिव फॉर्म बनाना सिखाया गया है। कंपैरेटिव फॉर्म का मतलब एडजेक्टिव्स के बारे में आपको बताया गया है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को बयान करता है, उसके बारे में बताता है कि कोई चीज कैसी है, अच्छी है या बुरी है, छोटी है या बड़ी है, यानी उस चीज के बारे में हमें एडजेक्टिव से पता चल, जिस वर्ड से हमें पता चलता है किसी चीज के बारे में उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। उर्दू में हम उसे इसमें सिफ्त कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जब हम दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, यानी हमने उस वर्ड के साथ या तो आर लगाना है या ई आर। अगर वर्ड के लास्ट में ई लिखा हुआ है तो हम सिर्फ आर लगाएंगे, और अगर वर्ड के आखिर में ई नहीं है तो हम ई आर लगाएंगे, तो उससे कंपैरेटिव डिग्री लग जाएगी। जब हम दो चीजों का आपस में मुकाबला करेंगे तो उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। यानी अगर मैं कहती हूँ कि एक लड़का लंबा है तो मैं और दूसरा उससे ज्यादा लंबा है तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री, जैसे मैं बोलूंगी अली इज टॉल बट हसन इज टॉलर देन अली, यानी अली से ज्यादा जो टॉल है, टॉलर है वो कौन है, हसन। तो इस तरह की कंपैरेटिव सेंटेंसेस, कंपैरेटिव डिग्री हम लगाएंगे सेंटेंसेस में। आगे जब हम करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। वी फॉर्म द कंपैरेटिव ऑफ शॉर्ट एडजेक्टिव्स व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स और पीपल, जब दो चीजों या दो लोगों को आपस में कंपेयर किया जाता है, मुकाबला किया जाता है, मुवाजना किया जाता है, तो उसके लिए हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, यानी ई आर का इजाफा करते हैं, आर या ई आर का इजाफा करते हैं। क्वेश्चन है मेक द कंपेरेटिव फॉर्म्स ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने यहाँ पे ब्लैंक्स में कंपैरेटिव फॉर्म लगा के इनको फिल करना है। बॉक्स में आपको एडजेक्टिव्स दी गई हैं, ओल्ड, पुराना, क्लीन, साफ, लॉन्ग, लंबा, स्मॉल, छोटा, टॉल, ऊंचा या लंबा, चीप, सस्ता, फास्ट, तेज, ब्रेव, बहादुर, फाइन, अच्छा, उम्दा, यानी अच्छा उम्दा कहा जाता है इसको। अब फर्स्ट है हमारे पास माय हाउस इज ओल्ड, यहाँ पे आपको ओल्ड दिया गया, यानी मेरा घर पुराना है, बट योर्स इज ओल्डर देन माइन, यानी मेरा घर पुराना है लेकिन तुम्हारा घर मुझसे ज्यादा पुराना है। अब उन दो घरों के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी एक घर पुराना है तो दूसरा उससे ज्यादा पुराना है, तो उसके लिए हमने ER का इजाफा करके ओल्डर कर दिया है। सेकेंड वन इज हिज पेंसिल इज लॉन्ग बट yours इज longer देन हिज, longer, आपने अब लॉन्ग के साथ ER जब हम यहाँ पे लगाएंगे LONGER तो बन जाएगा longer, but yours इज longer देन हिज, उसकी पेंसिल लंबी है लेकिन तुम्हारी जो है उससे ज्यादा लंबी है। थर्ड वन इज शी कैन रन फास्ट बट आई कैन रन फास्टर देन हर, यहाँ पे आपने फास्टर लिखना है, वो तेज भाग सकती है लेकिन मैं उससे ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। आगे है यू आर ब्रेव बट शी इज ब्रेवर देन यू, यहाँ पे बी आर ए वी ई तक लिखेंगे, आगे आपने सिर्फ आर लगाना है तो ब्रेवर बन जाएगा। यू आर ब्रेव, आप बहादुर हैं बट लेकिन वो आपसे ज्यादा बहादुर है। फिफ्थ वन इज योर पेंटिंग इज फाइन बट माइन इज फाइनर देन यू, योर पेंटिंग इज फाइन, आपकी पेंटिंग अच्छी है, उम्दा है, बट लेकिन माइन, माइन का मतलब होता है मेरी आपसे ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे आपने लिखना है फाइनर। आगे है आर क्लासरूम इज क्लीन बट देयर्स इज
क्लीनर देन आर्स, हमारे क्लासरूम साफ है लेकिन उनका हमसे ज्यादा साफ है. तो यहाँ पे आपने लिखना है क्लीनर. आगे है देयर कार इज स्मॉल बट आर्स इज स्मॉलर देन देयर्स, उनकी कार छोटी है लेकिन हमारी उनसे ज्यादा छोटी है. माय ब्रदर इज टॉल बट योर ब्रदर इज टॉलर देन माइन, मेरा भाई लंबा है लेकिन आपका भाई मेरे भाई से ज्यादा लंबा है. तो यहाँ पे आपने लिखना है टॉलर. उसके बाद है माई बाइक इज चीप बट योर्स इज चीपर देन माइन, मेरी बाइक जो है वो सस्ती है लेकिन आपकी बाइक मेरी बाइक से ज्यादा सस्ती है. तो यहाँ पे आपने लिखना है चीपर. उम्मीद करती हूँ आपको कंपैरेटिव फॉर्म की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. अब यहाँ पे आपको बताया गया एक्सो और एंडो के बारे में. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एंडो का मतलब होता है इनर और एक्सो का मतलब होता है आउटर. अभी हमने एंडो के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट लेसन में हम यूनिट में इंशाल्लाह एक्सो के बारे में भी पढ़ेंगे. अब बच्चों आपका होमवर्क क्या है कि आपने रीड द लेसन टू टाइम्स, आपने इस लेसन को दो दफा अच्छे तरीके से रीडिंग इसकी करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए. उसके बाद राइट वर्ड्स मीनिंग्स वर्ड सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक. जैसा कि पहले भी आपको बताया कि आपने वर्ड मीनिंग्स सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखना है. और डू पेजेस 31 एंड 32 पार्ट ए सी एंड डी ऑन बुक. पेज नंबर 31 और 32 पे जो पार्ट ए सी और डी हैं वो आपने अपनी बुक पर ही करना है, उनको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपने बुक में करना है और वहीं से आपने याद भी करना है. थैंक यू.